हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है, मार्केट में एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल रही है, तो वेज मंचूरियन अभी के समय में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सभी सब्जियाँ इजीली हमें मिल जाती है और इसे ना हम बिल्कुल ठेले वाले के स्टाइल में बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगेगी, आप इस एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान है बनाना, साधारण जो सब्जी बनती है उससे भी इजी लगेगा अभी मैं जो तरीका आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने फ्रेश गोभी ले लिया है, गाजर ले लिया है और बीन्स ले लिया। अभी मार्केट में ताज़ा ताज़ा एकदम गोभी मिल जाती है, मैंने गाजर ले लिया है और बीन्स ले लिया है। तो अभी हमें क्या करना है ना, इसे धो के अच्छे से मतलब एकदम बारीक काटना है। तो आप क्या करें, इसे कद्दूकस कर लिए, छोटा वाला कद्दूकस या बड़ा वाला कद्दूकस उससे कर ले, या फिर इस तरह का इजीली जो होता है ना हैंडी चॉपर ऐसा ले ले, तो फिर आप उसी से करके बारीक कर ले या फिर एकदम बारीक बारीक काट ले। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी काट लिया है और गाजर बीन्स काट लिया है, इस तरीके से एकदम बारीक करके मैंने यहाँ पे काट लिया है दोनों को। अभी क्या करना है, हमें दोनों को मिक्स करना है। तो इतना से हमारा बहुत अच्छा सा गोभी मंचूरियन बन जाएगा। इसे आप कैबेज मंचूरियन कह सकते हैं, वेज मंचूरियन कह सकते हैं। अगर आप ना गाजर बीन्स ना भी डालें तो सिर्फ कैबेज से भी ये मंचूरियन बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि ना जो मंचूरियन बनाते तो सेब बिगड़ जाता है या फिर बहुत सारा पानी छोड़ने लगता है, ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। तो थोड़ा सा एक टीस्पून नमक डाल के आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो मैंने यहाँ आधा घंटा छोड़ दिया था, अभी हम इसे आधे घंटे बाद चेक करेंगे। तो आधे घंटे के बाद मैं दिखाऊंगी कि इसमें कितना पानी नीचे निकलेगा, तो मैं आपको तरीका दिखा दूँगी कि हम निचोड़ेंगे भी तो पानी कितना निकल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इस पानी को आप निचोड़ निचोड़ के अलग कर ले, या फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अभी क्या करेंगे हम, पानी निकालने के लिए इसका इस तरह का छन्नी ले लें कोई भी, उसमें एक सूती रुमाल या सूती कपड़ा डाल दें और उसमें सारी सब्जियों को डाल दें। तो आप जैसे सुविधा हो, हाथ से निचोड़ के अलग करें पानी या फिर इस तरीके से करें तो आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से निचोड़ेंगे तो बहुत सारा पानी निकलेगा और ये जो पानी निकलेगा ना, इसे हम अभी यूज़ करेंगे। तो ये जो पानी हम फेंकेंगे ना, ये पानी हमारा काम आ जाएगा, जो सब्जियों का जूस है ये हमारा यूज़ हो जाएगा। तो इसे हम साइड में अच्छे से रख देंगे और जो सब्जियों का पानी हमने निचोड़ा, बहुत अधिक नहीं निचोड़ना, बस एक्स्ट्रा जो पानी है थोड़ा निकाल देना है। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है सब्जियों को, तो इस तरीके से आप ले ले। तो ये सब, ये जो मंचूरियन आप कैबेज से भी बनाएंगे तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी, और आप चाहे तो इसमें फूलगोभी, शिमला मिर्च और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, प्याज खाते तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर कॉर्न फ्लोर। वैसे ठेले वाले आरारोट पाउडर भी यूज़ करते हैं, अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो थोड़ा सा राइस पाउडर यानी कि चावल का आटा यूज़ करें। और मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाला है मैदा। तो जो ठेले वाले होते हैं वो फूड कलर यूज़ करते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे भी तीखा नहीं होगा, इससे एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर आप फूड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यूज़ करें इस टाइम पे थोड़ा सा। तो यहाँ हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। यहाँ अभी हमें और कुछ नहीं डालना है, बस हमें एक अच्छा सा मिक्स बनाना। देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, तो इसे हम इस तरह से मिक्स करते करते, और जो कॉर्नफ्लोर और मैदा भी है ना वो भी बहुत कम लगता है ऐसा प्रोसेस करेंगे तो। तभी हम इसका छोटा बड़ा जैसा भी आकार का चाहे हम थोड़ा बॉल बना लेंगे इसका। ये देखिए, ये बॉल मैंने बना लिया है, तो इस तरीके से हम सारे बॉल को इजीली बना लेंगे। तो अच्छे से बाइंडिंग हो गई है बहुत ईजीली और पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। तो ये मैंने बॉल बना लिया है, तो आप क्या करें, अभी सभी बॉल को इस तरीके से बना लें एक साइज़ में। तो ये देखिए, एकदम गोल गोल एक ही शेप में बॉल बन गया है। तो अभी हम करेंगे इसे फ्राई। तो मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि ठेले में या रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, पहले एक बार फ्राई करके रख लेते हैं और फिर उसे डबल फ्राई करते हैं, तो उससे उसका क्रिस्पीपन भी अच्छा रहता है। और जब खाना होता है तो डबल फ्राई करके फिर उसे ग्रेवी में मतलब अच्छा सा सॉस बना के मिक्स करके सर्व करते हैं। और अगर आप एक ही बार फ्राई करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसे बहुत अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ फ्राई करें और एकदम अच्छे से करें। और अभी जब हम, मैं बॉल डाल रही हूँ, तेल अच्छे से हीट होना चाहिए, तो तेल यहाँ अच्छे से हीट था,
तब मैंने इन मंचूरियन बॉल्स को डाला है और बस इसे 5 मिनट जब ये हो जाए ना तब इसे चम्मच से बस इस तरीके से कर दें, चम्मच से हिला दें और इसे पकने दें और अच्छा से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड को पकाएं। तो बार बार इसे चम्मच से इस तरीके से करें, क्योंकि आप कलछी ना लगाएं अभी, चम्मच से करेंगे काफ़ी है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ चम्मच से, देखिए और अलग अलग हो गई है हमारी बॉल जो है, आधा से ज़्यादा पक गए हैं। तो अभी मैं इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करूँगी, क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं। और अगर आपको लगे कि गेस्ट आने वाला तो पहले से फ्राई करके थोड़ा रख लीजिए, और उसके बाद फिर से जब गेस्ट आने वाले हों आपको सर्व करना तो एक बार फ्राई कर लीजिए और फिर तुरंत सॉस लगा दीजिए। तो इससे काम भी झटपट हो जाएगा, गर्म भी रहेगा और है ना ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे ये। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल हमारा नीचे आ जाएगा। तो जितना हम निकाल लेंगे ना, सबको निकाल के एक प्लेट में हम साइड में रख लेंगे। और देखिए बहुत सारा तेल रह गया है, ज़्यादा तेल नहीं सोखा है, तो इसमें से जितना तेल के लिए हमें सॉस बनाना उतना ही तेल लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन। जो चाइनीज़ कुकिंग होती है वो बिल्कुल हाई हीट में होती है, तो हम यहाँ फ्लेम को हाई ही रखेंगे। तो लहसुन अदरक डालने के बाद मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इसे करेंगे हम मिक्स अच्छे से और थोड़ा भूनेंगे हम इसको। लहसुन का फ्लेवर, अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मंचूरियन में, तो इसे हम अच्छे से एक बार इस तरीके से चला के भून लेंगे। भून लेने के बाद हमें क्या करना है ना, अभी इसमें देखिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा पहले गोल्डन ब्राउन होने दें, फिर डालेंगे हम सोया सॉस। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस डालूंगी, ताकि ये जो सॉस भी अच्छे से पके। और ये है ना पानी, 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, मतलब मक्की का आटा, कॉर्न स्टार्च से जो बनता है ना, तो कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने और उसे पानी में घोल लिया था, उस घोल को मैंने डाला। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस होता है ना, वो डाल रही हूँ। और 1 चम्मच मैंने टमाटो केचप या टमाटो सॉस, जो भी आपके पास हो वो डाल दें। तो अगर आपके पास रेड चिली सॉस ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, तो उससे भी इक्वल काम करेगा। तो अभी मैं डालूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, ये मैंने डाल दिया है। ये सॉस हम बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। थोड़ा सा हरा प्याज, मतलब स्प्रिंग अनियन, तो ये भी आप इस समय पर डाल दें। थोड़ा सा नमक डालें, ज़्यादा नमक ना डालें, क्योंकि बॉल्स में नमक है और सॉस में भी नमक डला रहता है, तो हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। तो ठेले वाले ना अजीनोमोटो यूज़ करते हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पे ना जो पानी लिया था निचोड़ के वो डाल दिया है। तो ठेले वाले अजीनोमोटो यूज़ करते हैं, पर हम घर में खा रहे हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ के लिए अजीनोमोटो सही नहीं है, तो घर में हम नहीं यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि उसके बगैर ही बनाने का। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा विनीगर से इसमें एक अच्छा सा खट्टापन आ जाएगा। विनीगर ना हो तो आप नींबू का रस डाल दीजिए, तो आपके लिए वो भी एक सुविधा हो जाएगा। विनीगर नहीं है, नींबू है, तो आप उसका यूज करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि विनीगर नहीं है, रेड चिली सॉस नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी आप क्या कीजिए, बॉल डाल दीजिए, सॉस अच्छे से पक गया है। सॉस को पकाने में हमें 10 मिनट लगा। बॉल को डाल के बस आप मिक्स कीजिए और गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दीजिए और इसे बस अच्छे से कोट कर लीजिए। और जब आप सर्व करेंगे ऊपर से एकदम क्रिस्पी लगेगी। थोड़ा सा हम स्प्रिंग ऑनियन यानी हरे साग वाला प्याज जो होता है ना, मतलब तो प्याज का साग, उसे इस तरीके से डाल देंगे, बहुत टेस्टी लगेगी। तो आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों में आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।